Hello and welcome once again. So now we are going to discuss section 94. Section 94 talks about exclusion of evidence against application of document to existing facts. मतलब ये है कि evidence exclude किए जा रहे हैं against किसके application of document to existing fact. कि आपने जो document में जो existing facts है इनके against में आप कुछ application दे रहे हैं कि जो मैं बात लिखाऊँ वो गलत लिखाऊँ ऐसी बात नहीं है ऐसा कुछ change होना चाहिए. तो इसमें बात करेंगे कि when language used in a document is plain in itself. प्लेन इन इटसेल्फ का मतलब है कि एकदम सिंपल है जो लिखा हुआ है एकदम क्लियर लिखा हुआ है विदाउट एनी एम्बिग्यूटी विदाउट एनी चेंज विदाउट एनी डिफेक्टिवनेस एंड व्हेन इट अप्लाइज एक्यूरेटली टू द एग्जिस्टिंग फैक्ट्स और जो वो बात लिखी हुई है वो एग्जिस्टिंग फैक्ट पे एक्यूरेटली 100% एकदम क्लियरली अप्लाई हो जाती है एविडेंस मे नॉट बी गिवन टू शो दैट इट वॉज नॉट मीन टू अप्लाई टू सच फैक्ट तो आप कोई भी एविडेंस ऐसा नहीं दे सकते कि आपने ये जो बात लिखी है वो किसी और चीज़ के लिए लिखी है मतलब इसमें दो कंडीशन है एक तरह से फुलफिल कि आपने कोई चीज़ डॉक्यूमेंट जो बना रखा है उसमें लैंग्वेज क्लियर लिखी हुई है लैंग्वेज क्लियर लिखी होने के बाद वो जो लैंग्वेज है वो फैक्ट से एक्यूरेटली मैच कर चुकी है ऐसी आपने जो लिखा और ये फैक्ट रहे इनमें मैच कर गई मतलब एकदम इक्वल हो गई वो तो एविडेंस आप नहीं दे सकते कि मैंने जो बात लिखी वो किसी और बात के लिए लिखी है ऐसा एविडेंस नहीं दे सकते इसका इलस्ट्रेशन है ए सेल्स टू बी बाय डीड डीड मतलब उसने एक डॉक्यूमेंट बनाया उसमें क्या लिखा माय एस्टेट एट रामपुर कंटेनिंग 100 बीघा तो मेरी एक जमीन है वो 100 बीघा की है मेरे पास जितनी जमीन है ए हैज एन एस्टेट एट रामपुर कंटेनिंग 100 बीघा और ए के पास 100 बीघा जमीन भी है रामपुर में तो यहाँ पे लिखा है एविडेंस मे नॉट बी गिवन ऑफ द फैक्ट दैट द एस्टेट मीन टू बी सोल्ड बाय वन सिचुएटेड एट डिफरेंट प्लेस एंड ऑफ डिफरेंट साइज तो अब यहाँ पे ए भाई साहब ये एविडेंस नहीं दे सकते कि नहीं नहीं रामपुर की नहीं मैं तो वो मेरी प्रयागराज में जो मेरी जमीन है ना उसके बारे में बात कर रहा था और वो 100 बीघा नहीं है वो तो 150 बीघा जमीन है मैं तो उसके बारे में बात कर रहा था या फिर वो बोले 100 बीघा नहीं मैं तो 80 बीघा जमीन है मैं तो उसके बारे में बात कर रहा था तो यहाँ पे जब बात लिखी डॉक्यूमेंट में वो एकदम एग्जिस्टिंग फैक्ट से एक्यूरेट मैच हो गई तो फिर कोई नया एविडेंस नहीं दिया जाएगा जो उस डॉक्यूमेंट को अलग करे वापस खराब करे against the application of document तो जो document में लिखा है उसके against में वो नहीं दिया जाएगा so hope you like this video thank you very much